संसद में विपक्ष ने उठाया नागालैंड फायरिंग का मुद्दा, कहा यह संवेदनशील मामला, सरकार बोली गृह मंत्री देंगे विस्तृत बयान। म्यांमार में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सांग सू की को 4 साल की जेल। दिल्ली में ओमिक्रॉन केस पर बोले सीएम केजरीवाल, घबराने की जरूरत नहीं। वसीम रिजवी ने अपनाया सनातन धर्म, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी होगा नया नाम। योगी सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए तैयार किया चक्रव्यूह। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। मथुरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने 6 दिसंबर को लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापना और जलाभिषेक की घोषणा की थी। इसके मद्देनजर मथुरा प्रशासन ने कमर कस ली है, जिसके चलते आज मथुरा शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस दौरान यातायात का भी डायवर्जन किया गया है। भरतपुर गेट से लेकर लीग गेट, जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह से ब्लॉक। कुछ दिनों पूर्व कुछ संगठनों के द्वारा कुछ कॉल्स या कुछ आह्वान किए गए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा पाबंदियां भी की गई, निरोधात्मक कार्रवाइयां भी की गई, प्रिवेंटिव डिटेंशन भी की गई। जनपद में धारा 144 लगाई गई, जिसके फलस्वरूप इन सभी संगठनों के द्वारा अपने अपनी जो कॉल्स हैं, जो आह्वान है, वो वापस ले लिए गए हैं। इनके द्वारा परमिशंस के लिए अप्लाई किया गया था, उन सभी परमिशंस को निरस्त कर दिया गया था शांति व्यवस्था कायम रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज जनपद में 4 सुपर जोन्स, 4 जोन्स और 8 सेक्टर्स बनाए गए हैं, जहां पर मजिस्ट्रेट्स के अलावा सिविल पुलिस, पीएससी की कंपनीज और आरएएफ तैनात है। सिक्योरिटी बीफअप की गई है, सेंसिटिविटी के दृष्टिगत चेकिंग की जा रही है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, कुछ जगह पर ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है। आगरा में कुछ दिनों पहले अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्र प्रवक्ता संजय जाट ने ऐलान किया था कि 6 दिसंबर को मथुरा जाकर शाही मस्जिद में लड्डू गोपाल को स्थापित करके जलाभिषेक करेंगे, जिसके बाद से मथुरा पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया है और मथुरा में धारा 144 भी लगा दी गई है। बता दें कि आगरा पुलिस प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए संजय जाट को उनके ही घर पर नजरबंद कर दिया। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट ने इस पर कहा कि जिस तरह पुलिस ने हमें नजरबंद किया है, ये तानाशाही रवैया है, इसको हिंदू महासभा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी द्वारा आह्वान किया गया था श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जलाभिषेक करने का। उसके तहत समस्त आगरा के हिंदू महासभा के जितने पदाधिकारी सबको घर पर नैरबंद कर दिया है, ताकि यह जलाभिषेक करने मथुरा जन्मभूमि न जा सके। एक और योगी बाबा जहाँ कहते हैं कि आपके जो कार सेवा होगी उस पर जलाभिषेक जो करने आएंगे, कार सेवा करने आएंगे, उन पर पुष्प की वर्षा की जाएगी, वहीं दूसरी ओर आगरा का प्रशासन पता नहीं क्यों नैरबंद करके क्या संदेश देना चाहता है। क्या योगी जी का सपना जो श्री कृष्ण जन्म भूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का था, क्या आगरा का प्रशासन उस पर रोक लगाना चाहता है? आज मुझे और मेरे सब हिंदू महासभा के पदाधिकारी हैं, जिसमें मीना दिवाकर है, जितेंद्र कुशवाहा, रौनक ठाकुर, मनीष पंडित जी, अंकित चौहान, सबके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा हम लोगों। बुलंदशहर में बसपा पार्टी ने भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन इसियाना विधानसभा में बसपा प्रत्याशी पंडित सुनील भारद्वाज ने किया। इस दौरान कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ जुटी। वहीं मंच से जनता को संबोधित करते हुए सुनील भारद्वाज ने कहा कि जनता सब जानती है कि किसने कितना विकास का काम किया है, जनता समझदार है। भाईचारा होता है, सब लोग इकट्ठे हुए हैं, चुनाव का समय आ रहा है, सब लोग सलाह करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि कैसे चुनाव लड़ा जाए, आगे की रणनीति कैसे की जाए। चुनावी घमासान शुरू हो चुका है, जनता आपको क्यों वोट दे? जनता को खुद पता है कितने काम हुए हैं और कौन काम कर सकता है, किसने पीछे काम किए हैं, जनता सारा जानती है। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव को लेकर आप जो जनता के बीच में जाएंगे?
सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का है, बेरोजगारी का है। हमारे यहाँ तो कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है बच्चों के लिए। बच्चों को कहाँ बहुत दूर जाना पड़ता है, साइकिलों से पैदल चलकर कितनी दूर जाना पड़ता है। विकास हुआ ही कहाँ है इतने दिनों में। हरदोई के शाहबाद कोतवाली की ग्राम पंचायत फिरोजपुर खुर्द के दबंग प्रधान ने अपने बटाईदार के भाई पर चाकूदार से हथियार से हमला कर दिया, जिसमें उसकी नाक और कान काट दी। जिसके बाद दलित मनोज ने शाहबाद कोतवाली में प्रधान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सनापराधेश। मनोज कुमार सनापराधेश हम ग्राम फिरोजपुर खुर्द शाहबाद तहसील जिला हरदोई में रहता हूँ। मेरा भाई गन्ना कर रहा है बटाई, प्रधान जो इस टाइम हैंगे विवेक पांडे, और गन्ना उनका पड़ भी गया। जो पैसे मांगने गए तो उन्होंने कहा कि चलो तुम्हें शाहबाद में पैसे देंगे। फिर ये पैसे लेने आए थे वहाँ, तो इनके साथ मतलब थोड़ा बहुत गाली गलौज बात हो गया था मतलब ना, इसके बाद इन ये तो मतलब चले गए। फिर दोबारा हम शाहबाद आए थे तो शाम को थोड़ा लेट हो गए थे, 6:30 बजे करीब। तो हमें उनके विवेक पांडे ने और उनके तीन भाइयों ने घेर के रास्ते में बुरी तरह पीटा, लात घूसों से और चाकू से नाक कान काट दिए मेरे। नाक कहाँ पे? जी ये काटा यहाँ पे और सर ये कान काट दिया। ग्राम प्रधान की दबंगई देखने को मिली है। हरदोई से ये खबर सामने आ रही है, जहां दलित युवक के नाक कान काट दिए धारदार हथियार से। तस्वीरें भी देखी आपने पीड़ित युवक की, उसने शिकायत करी है और देखा जा सकता है कि उसकी किस तरह से नाक कटी हुई दिखाई दे रही थी, जख्मी नाक दिखाई दे रही थी। दलित युवक के नाक कान काटने के बाद जिस तरह से दबंगई का ये मामला सामने आया है, शिकायत दर्ज करा दी है युवक ने। आपको बता दें कि ये खबर हरदोई से सामने आई है, जहां दबंगई देखने को मिल रही है। हरदोई के शाहबाद कोतवाली के ग्राम पंचायत फिरोजपुर खुर्द के का ये मामला है, जहां दबंग प्रधान द्वारा ये हमला किया गया है। अपने बटाईदार के भाई पर चाकू से हमला करने का ये मामला सामने आया है, जिसमें उसकी नाक और कान काट दी है। इसके बाद दलित मनोज ने कोतवाली में तहरीर दी है और प्रधान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। पीड़ित ने बताया कि किस तरह से उसके ऊपर हमला किया गया, क्यों हमला किया गया है, तमाम जानकारी दी गई है और पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहा है, अब परेशान है। हरदोई से ये खबर सामने आई जहां दबंगई देखने को मिली है। हरदोई के शाहबाद कोतवाली के ग्राम पंचायत फिरोजपुर का ये मामला बताया जा रहा है। फतेहपुर के विकास खंड दंडीरा गांव से अगली खबर है, जहां पर नाले चौक होने की वजह से गांव की गलियों में गंदा पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उसी गंदे पानी से ग्रामीण निकलने को मजबूर हैं। गांव के लोगों में इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है। उनका कहना है कि एक तरफ तो सरकार स्वच्छ भारत मिशन की बात कर रही है, वही दूसरी तरफ इस तरह की दिक्कतें सामने आती है। यहाँ पर खुलेआम स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अगर यही हाल रहा तो इस गांव में संक्रामक बीमारियां फैलना शुरू हो जाएंगी। और ग्रामीण शिवकेश सिंह ने बताया कि चुनाव के बाद सफाई कर्मी का यहां से ट्रांसफर कर दिया गया था, तब से अभी तक कोई भी सफाई कर्मी नहीं आया है। ये सड़क खराब है, नाली की कोई सफाई कर्मी आता नहीं है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। प्रधान जी भी सुनी अनसुनी कर रहे हैं, इसका क्या कारण क्या है? इसका कारण ये कि जो पहले से था हमारे यहाँ सफाई कर्मी, वो पैसा ले दे के ट्रांसफर करवा लिया उसने, दोबारा यहाँ कोई नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। कल कभी हम फोन करते हैं तो वहाँ से ब्लॉक से बताया जाता है कि नियुक्ति हो गई, लेकिन आता कोई नहीं है। नाली चौक पड़ी है, पूरी अव्यवस्था है, महिलाएं बच्चे स्कूल जाते हैं वो गिर पड़ते हैं। ये समस्या कंटिन्यू बनी हुई है हमारे यहाँ, जिसका कोई निराकरण सरसर हो नहीं पा रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि निराकरण जल्दी हो इसका। यहाँ जो सफाई कर्मी नियुक्त हुआ है तो क्या वो ड्यूटी समय पे नहीं आ पाता अभी तक? तो खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अमरदीप फतेहपुर से जुड़ चुके हैं। अमरदीप, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, क्या कहेंगे, क्या कुछ जानकारी, क्यों ये गंदा पानी जमा हो रहा है सड़कों पे? देखिए, ऐसा मामला ये फतेहपुर जनपद के भिडौरा ब्लॉक के सराय डंडीरा गाँव का है, जहाँ पर जो है कि अगर देखा जाए तो एक तरफ सरकार जो है स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन की बात करती है,
वहीं दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी जो सरकारी मशीनरी है वो पूरी तरीके से उदासीनता उसकी नजर आ रही है। सराय डंडीरा गांव की जो तस्वीरें स्क्रीन पर चल रही हैं उससे आप देख सकते हैं कि निकलने के लिए जो रास्ते में पानी भरा हुआ है, गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे ग्रामीण बच्चे और महिलाएं भी निकलने को मजबूर है। मेन कारण है कि सफाई कर्मी का ना होना। और ग्रामीणों द्वारा जब सब प्रधान से इस बात को कहा गया तो प्रधान ने भी कोई सही साथ जवाब न देकर के केवल एक खाना पूर्ति वाली बात कर रहे हैं। और ये मामला तभी हल हो सकता है जब पूरी तरीके से वहाँ सफाई कर्मी नियुक्त हो, नाली और नालों का पूरी तरीके से सफाई हो, तभी वहाँ की हालात सुधर सकते हैं। जी अमरदीप, कितने समय से ये दिक्कतों का सामना कर रहे ग्रामीण? देखिए ऐसा है कि जब एक ग्रामीण से अनऑफिशियली बात की गई तो उसने बताया कि लगभग यही 1.5-2 साल से यही मामला चल रहा है, पर अभी तक उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया गया पर कोई अभी समस्या का हल नहीं निकला है। अमरदीप, जिस तरह से डेंगू की अभी परेशानी देखने को मिल रही थी, हर जगह डेंगू का प्रसार हो रहा था और नगर निगम और प्रशासन कह रहा था कि हम जो है इस पे काम कर रहे हैं, हर जगह सफाई देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ ये तस्वीरें सामने आ रही है, क्या कहेंगे? जी ये बात बिल्कुल सही है कि एक तरफ तो हमने पहले ही कहा कि स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन की खुलेआम ये धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी एक तरफ तो कहा जाता है कि साफ सफाई रखें और दूसरी तरफ ये तस्वीर भी सामने आ रही है, तो जरूर केवल कागजों में सारा खेल है, बाकी हकीकत में जमीनी हकीकत में कुछ भी नहीं है। तो इससे जरूर जो इस तरह गंदगी दिखाई पड़ रही है उससे संक्रामक बीमारियों के फैलने से इनकार नहीं किया जा सकता है। जी तो जिस तरह से संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा है तो क्या इस पे जिम्मेदारों से बात हुई, उनका क्या कहना है? देखिए ऐसा है कि हकीकत तो ये है कि जब जिम्मेदार अधिकारियों से जब बात करने की कोशिश की जाती है तो या तो फोन उनका स्विच ऑफ होता है या नॉट रीचेबल की स्थिति में होता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अमरदीप जुड़े थे फतेहपुर से। फतेहपुर के विकास खंड बिटौरा से सराय डंडीरा गांव में अब ग्रामीणों ने प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रधान के ऊपर प्रधानमंत्री आवास और पेंशन के नाम पर हजारों रुपए की उगाही का आरोप लगाते हुए ठगे जाने की बात कही है। दूसरी तरफ जो आवास के पात्र धारक हैं वो अपनी जर्जर मकान एवं झोपड़ी बनाकर रहने के लिए मजबूर है। अब हमारे कागज 3,000 कॉलोनी की तुम्हारी कॉलोनी है, हमसे ले लिए पैसा, हम दे दिया 1,000 हमारे लड़के से लिया पेंसिल के लिए, वो ये पैसा ना हमारी कॉलोनी है ना कुछ है, आज तक हमारा ना पैसा ना ही काम भरा, तो हमारा पैसा वापस कर दे, वही बेवहार बना रहा था, मगर हमको 2 पैसा नहीं मिला। कौन प्रधान कौन है? नरसिंह रहे तो नरसिंह ने इतना पैसा लिया जनता से। हाँ जी, अब तक किसी को पैसा दिया नहीं? नहीं, नहीं कि कोई पैसा नहीं आज तक मिला। क्या नाम है आपका? हमारा छतरपाल सिंह, गाँव सराय डंडीरा। ये बताए प्रधान माजी, आपने प्रधान को 5,000 रुपया दिया, ये आपकी जबानी है, क्या ये सही है कि आपने प्रधान को 5,000 रुपया दिया? कौन प्रधान था? नरसिंह। बताइए पूरी बात। नरसिंह प्रधान को दिया है, आज तक हमका नहीं वो कहीं ना कहीं तोर आई है कि नहीं आई, प्रधान उसकी चली गई लौट के, नहीं पैसा हमका देन वापिस करके कि नहीं नहीं कर कॉलोनी पाए तो ले अपन पैसा। 5,000 आपने दिया, इसके बाद आपको प्रधानमंत्री आवास दिया गया कि नहीं दिया गया? नहीं दिया। आपका घर अभी गिरा पड़ा है? गिरा पड़ा है, ऐसे वैसे आंधी तूफान आवा थी तो बच्चन का लेके हम भागी थे, कर लो पाई हमारो का कहा तो पैसा ले ही बच्चन का लेके शहर भागी थी ना मान हमारे। रायबरेली से खाकी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एसओजी और पुलिस ने एक फर्जी मुठभेड़ की, जिसके बाद एम्बुलेंस के अस्पताल पहुंचते ही आरोपी खड़ा होकर चलने लगा। इस दौरान आरोपी ने बताया कि वो शहबरी थाना सांगीपुर प्रतापगढ़ में अपने घर पर सो रहा था, उसी दौरान पुलिस ने उसे उठाया और जबरदस्ती तमंचा दिखाकर फर्जी मुठभेड़ की और कहानी रच डाली। नाम मोनू उर्फ शकील। साहबरी में हम सो रहे थे, 2 लोग थे। 3:30 बजे फलवन पुलिस फोर्स इसोजी प्रभारी अमरेश त्रिपाठी पूरी फोर्स के साथ पहुँचे, धर दबोचे, वहाँ से लेके आए सलवन। सलवन लाने के बाद धराई रोड कमालगंज से मुड़े, धराई रोड पे एक तमंचा दिया और क्या कहते हैं हाथ बांध के, आँख में पट्टी बांध के पैर पे गोली मारा। ये घटना है
उठ पकड़े थे 3:30 बजे, ये 5:30 बजे पैर पे गोली मारे हैं। तमंचा किसने दिया था? तमंचा पुलिस वालों ने दिया। तमंचा तुम्हारा नहीं था? कोई हमारा कुछ नहीं था। तुमने फायर नहीं किया? कुछ नहीं किया। सर आज क्या हुआ है, क्या मामला? ये आज सुबह थाना सलोन क्षेत्र में जनपद प्रतापगढ़ के बॉर्डर पे थाना सलोन और SOG की टीम एक वांछित अभियुक्त के तलाश में थी, जिसके क्रम में उनके द्वारा मोनू और शकील, जो कि एक 25,000 रुपये का इनामिया अपराधी है और लूट के कई मुकदमे इस पर दर्ज हैं और यहां से भी ये वांछित चल रहा था, इसके साथ पुलिस इंगेजमेंट हुआ, जिसमें इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और आत्मरक्षात फायरिंग में पुलिस पार्टी ने इस पर फायरिंग की और इसे पैर में गोली लगी है। इसे यहाँ तत्काल जिला अस्पताल उपचार हेतु लाया गया है। इससे अभी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इसने लूट की घटनाओं सहित अन्य कई घटनाओं के बारे में इनपुट्स दिया है, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसके और जो भी संभल के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कुरैशियान में दबंगों की सरेआम गुंडई देखने को मिली है, जहां दबंगों ने मामूली बात पर गुंडई की सारी हदें पार कर दी। दबंगों ने न सिर्फ छतों से पत्थर बरसाए बल्कि ताबड़तोड़ फायरिंग भी की। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत फैल गई है। इस दौरान जमकर मारपीट भी की गई, लाइव पथराव और फायरिंग का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं। क्या अभी जो पुलिस आई है, क्या झगड़ा हुआ, क्या है मामला? ये जी झगड़ा हुआ, हमने रेता हटाने के लिए कई हमारे यहाँ शादी है, तो इन्होंने रेता ना हटाया, कहीं तुम्हारे बाप की सड़क ना हो, तो झगड़ा कर लिया इन्होंने। अच्छा, क्या फिर क्या करा उन लोगों ने? उन लोगों ने पहले तो बदमाशी दिखाई, गाली गुप्तारी बकी, बाप ने करवाई, लोगों ने गालियाँ बकी माँ ने बाप ने। ये कौन लोग हैं? ये निषाद के लड़के, क्या क्या नाम है, उवेश, सद्दाम, शादाब। अच्छा, फिर गाड़ियाँ तोड़ी हमारी, फिर कैमरा तोड़ा, फिर जाके इसने बाजू वाले उसके छत पे फायरिंग करी, इटियाई करी, हमारी नीचे मशीन तक तोड़ दी। अच्छा, कितने लोगों ने चोट लगी है? चोट नहीं आई है किसी के, एक लड़के के आई है बस, उसे मारा जेब के। फायरिंग भी थी? फायरिंग भी थी। चंदौसी के मोहल्ला कुरैशियान में दो कुरैशी परिवारों में रोड पर रखे हुए बोरों को हटाने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें ईंट पत्थर चले और जो प्राप्त वीडियो है उसमें फायरिंग की भी आवाज़ दी। प्राप्त तहरीर के अनुसार वादी जीशान पुत्र अफसर हुसैन के आधार पर उचित धाराओं में सद्दाम और व तीन अन्य के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।